Hey, hello. Assalamualaikum. Sasikala. Namaste, guys. So, welcome back to my channel, Cozy Amna Vlogs. This side, Amna Hasan. So, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लखनऊ में काफ़ी टाइम से कार्तिक मेला लगा हुआ है. सो मेरी मम्मा मुझसे बहुत टाइम से कह रही थी जाने के लिए, बट मेरा मन नहीं हो रहा था. मैं सोच रही थी कल जाऊँगी. मैं डिले पर डिले कर रही थी और मैं नहीं गई. फिर एट लास्ट 24 दिसंबर को मैंने सोचा कि लेट्स गो टू कार्तिक मेला एंड लेट्स एक्सप्लोर दैट. सो मैं वहाँ पर गई 24 दिसंबर 2022 को मैं वहाँ पर गई थी. एंड देन मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बनाए, काफ़ी सारी क्लिप्स बनाई, बट क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो इस वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी. एंड देन मैंने फिर वो वीडियो पोस्ट भी नहीं करी जब वो एडिट नहीं हुई थी. फिर उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, मेला तो 26 जनवरी तक बढ़ गया. सो 26 जनवरी से एक बात बता दूं कि 26 जनवरी को मेरा बर्थडे भी होता है. सो मैं बर्थडे व्लॉग भी अपने चैनल पे अपलोड करूंगी. तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जल्दी से स्क्रीन को डाउन करो और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो. सबसे पहले तो ये कर लो एंड देन बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं अपना व्लॉग अपलोड करूं सो आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए. सो होप यू गाइज हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा आप लोगों ने. सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. तो जब मुझे ये पता चला कि मेला 26 जनवरी तक बढ़ गया है, इसकी डेट्स बढ़ गई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार और विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ प्राइस कम हुए हैं या नहीं हुए हैं. मतलब जितने का वो पहले सामान दे रहे थे उतने का अभी भी दे रहे हैं. हाँ, कुछ शॉप्स ऐसी हैं कि जहाँ आप जाओगे तो उनके यहाँ एक तो पहली बार ज़्यादा माल बचा नहीं है, ऐसा वो खुद कह रहे थे कि जो अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी वो ज़्यादातर निकल चुकी हैं, बहुत कम ही बचे हैं अच्छे सामान वहाँ पर. तो अब वो ऐसा कर रहे हैं कि वो जितना उनसे हो सकता है वो उतना बार्गेन करके आपको दे दे रहे हैं. तो अगर यहाँ आपको नीड है क्रॉकरी की तो आप जा सकते हो डालीगंज मेला में और जाकर के आप क्रॉकरीज परचेज कर लेना. और वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी, 10 दफ़ान बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे. तो चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. और पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग रखूँगी, बट या क्योंकि मैं लास्ट टाइम पर गई तो मैंने एक चीज़ देखी कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ बचे नहीं हैं और बहुत कमी क्रॉकरी है, बहुत कमी सामान बचे हुए हैं. अच्छे से सामान सारे निकल चुके जैसा कि मैंने बताया. फिर भी मैं आप लोगों को कुछ सामान दिखा देती हूँ जो डालीगंज मेले में इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे है और अगर आप जाते हो तो आपको मिल जाएगा. तो चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं लोकेशन पे. तो अभी मैं एंटर कर चुकी हूँ कार्तिक मेला में और सबसे पहली शॉप जो मुझे दिखी वो ये दिखी, ये हर माल 5 रुपये वाली. यहाँ मैं इसके पहले भी आई थी 24 दिसंबर को, तो यहाँ पे हर माल 5 और 10 रुपये में मिल रहा था. बट क्योंकि अब इनके पास सामान जितने बचे हुए हैं ये सारे सामान 5 रुपये में दे रहे हैं. कि आप ये जूड़ा पिन देख रहे हैं ये भी ये 5 रुपये में दे रहे थे. ये क्लिप्स हैं, कंघा है, ब्रश है और भी बहुत सारे सामान हैं, क्लेचर्स वगैरह हैं. सो आप ये सब देख लीजिए, हर माल 5 रुपये की शॉप है. सो इस शॉप से भी मैंने कुछ सामान परचेस किया था, उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी. अगर टाइम रहता है तो प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो शॉर्ट्स में बना करके आप लोग को दिखा दूंगी कि डालीगंज से मैंने क्या क्या सामान परचेस किया. उसके बाद वहीं पे राइट साइड में ये क्रॉकरी की शॉप थी जहाँ पे शीशे के सामान मिल रहे थे जैसा कि आप देख रहे हैं. ये कांच की बॉटल थी, इसकी प्राइस मैंने पूछी तो उन्होंने 100 रुपीज़ पर बॉटल बताया था. उसके बाद ये आप शीशे का बर्तन देख रहे हैं, इसका प्राइस इन्होंने 150 बताया था. और ये जो कांच के जग हैं इसका प्राइस इन्होंने 150 बताया था. उसके बाद ये जो ग्लासेज हैं, 6 ग्लास का सेट था, ये इन्होंने बताया था कि ये 300 के 6 ग्लास के सेट हैं. डिज़ाइन आप देख रहे हैं. फिर मैं और आगे बढ़ी तो वहाँ पे मुझे ये फ्लावर पॉट्स दिखे जिसका रेट 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक था. आपको जैसा लेना हो वैसा ले सकते हो. इसके बाद ये आप देख रहे हैं जार जो कि अचारदानी भी बोली जाती है, ये 50 रुपये की थी. 50 रुपये में आई थिंक ये एक पीस दे रहे थे. डिज़ाइंस आपको इसमें काफ़ी सारी देखने को मिल जाएंगी और साइज़ भी आपको छोटे से बड़े मिल जाएंगे. ये अगरदान है, ये 10 रुपये का ये दे रहे थे. उसके बाद ये छोटी छोटी कटोरियाँ थी जो कि ये 10 रुपये में दे रहे थे. आप इसको गुलाब जामुन या फिर कुछ मीठा खाने के लिए ले सकते हो. उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए छोटी छोटी केतली एंड कप के सेट थे जो कि 100 रुपये का एक सेट दे रहे थे. और भाई मेले में आए हैं तो टहलते टहलते सामान देखेंगे तो भूख तो लगेगी, तो वहाँ पे ये भेलपूरी काउंटर भी था, आप चाहें तो ले सकते हैं. शॉप थी यहाँ पे सारी क्रॉकरी कांच की ही थी और हॉटपॉट मिल रहे थे. मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पे सामान काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. लेकिन हाँ, जब मैं गई थी तो ये दुकान हट रही थी. अब मैं ये नहीं बता सकती कि अभी ये दुकान है या नहीं है, लेकिन यहाँ सामान काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे थे. मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. हॉटपॉट का सेट है वो 3 पीस कितने का है? 1600 रुपये का. ये जो ये सामने लगा हुआ है ये वाला, ये 800 रुपये का 1 पीस. 800 रुपये का 1 पीस. और ये जो ब्लैक में लगा हुआ है ये 2600 रुपये के 3 पीस है. और उधर जो वो लगा हुआ है मरून में, हाँ ये अगर सिंगल लेना चाहे तो ये हॉट पॉट सिंगल मिल जाएगा.
और ये वाला हॉट पॉट थोड़ा रॉयल लुक दे रहा था, प्लस ब्लैक कलर में था, तो ब्लैक चीज़ों पे तो आपको पता ही है मेरी नज़र जा करके रुक जाती है, तो मैंने इनसे बोला कि आप प्लीज़ इसको खोल करके अच्छे से दिखाइए। ये वाला मग बताइए, और ये सेट ये 750 रुपए का। क्रॉकरीज इन्हीं की शॉप की मैं आप लोगों को और दिखा देती हूँ। फिर मैं आ गई थी मेले की एक ऐसी शॉप पे जहाँ पे हर माल 10 रुपये में मिल रहा था। सो सबसे पहले मुझे ये दिखा सोप केस, इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स थे। उसके बाद मुझे ये की चेन्स दिखी, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में थी, जैसे कि आप ये डॉग वाली देख रहे हैं, लव लिखा हुआ है इस पर, यूनिकॉर्न वाली थी, देन ये डोरेमोन वाली थी, और फिर ये डॉल्स वाली भी थी। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टाइल्स में थी। और ये प्लेट्स 450 की 6, और छोटी वाली 250 की। इनके रेट क्या है? 250 के 2। उसके बाद ये कॉफ़ी मग तो आपको जगह जगह दिख रहे होंगे, ये 30 रुपीज़ से लेकर के 50 रुपीज़ तक के कॉफ़ी मग्स आपको मिलेंगे। ये वाला ये 30 रुपीज़ में दे रहे थे, एंड इसके साइड में ये वाला भी ये 30 रुपीज़ में ही दे रहे थे। उसके बाद मैंने ये पर्चियाँ पूछी, तो ये पर्चियाँ उन्होंने बताया कि 150 रुपये की 6 पर्चे हैं, और वो जो सामने वाइट में लगी वो 200 रुपये की 6 थी। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद मैंने ये कप देखे, तो इन कप की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये 50 रुपये का एक दे रहे थे, इसकी चीनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया। फिर ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा सेट इन्होंने 1100 रुपये में बताया था, एक सेट जो लेफ्ट साइड वाला है। फिर ये डिनर सेट इन्होंने बताया, ये व्हाइट वाला जिस पे ब्लू प्रिंट है, ये 2700 रुपये का था, जिसमें कि 35 पीस थे। उसके बाद ये गोल्डन वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैंने इसके प्राइस पूछे तो इन्होंने बताया कि ये 72 पीस 11000 रुपये का है। फिर आ जाती है हमारी ये चीनी मिट्टी की कटोरियाँ, जो कि ये 20 रुपये की एक पीस दे रहे थे, देन ये ग्लास ये 300 रुपये के 6 दे रहे थे। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉफ़ी मग की, ब्लैक कलर का, जो कि 100 रुपये का दे रहे थे, और ये वाइट वाला ये 120 रुपये का एक दे रहे थे। फिर ये कंटेनर थे हमारे, कंटेनर बॉक्स विद लिड थे, जो कि 100 रुपये में 2 दे रहे थे। देन ये हमारा हॉट पॉट था रोटी रखने के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 600 रुपये का बताया था इन्होंने, लेकिन ये 400 तक आपको दे देते। मटके स्टाइल में जो बोल थी ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, ये भी ये 20 रुपये की एक पीस दे रहे थे। उसके बाद ये बच्चों वाले सिपर थे, ये कांच के थे, ये 120 का एक दे रहे थे। जैसे उसके बाद ये 6 पीस कप का सेट 200 रुपये का दे रहे थे, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। फिर ये एक शॉप थी जो कि पीछे की लेन में थी, जहाँ पे कॉफ़ी मग की भरमार थी, मतलब यहाँ पे 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये 100 रुपये तक के कप थे। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, जैसे कि ये वाला कप 20 रुपये का एक दे रहे थे ये। उसके बाद ये वाले कप की बात कर लेते हैं, ये 30 रुपीज़ का एक पीस दे रहे थे। ये सेम कंटेनर थे जो पहले वाले मैंने आपको दिखाए थे, वो साइज़ थोड़ा बड़ा था, ये इससे थोड़ा छोटा साइज़ था, तो ये 100 रुपये के 3 पीस दे रहे थे। उसके बाद फिर ये पीछे की लेन में डिनर सेट की शॉप थी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। मुझे ये बीच वाली सेंटर वाली लेन में जो रखा हुआ डिनर सेट, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने इनसे प्राइस पूछे तो इन्होंने बताया कि ये 72 पीस का 6500 रुपये का। आ गई थी ऐसी शॉप पे जहाँ पे इंस्टाग्रामेबल थिंग्स मिल रही थी, जस्ट लाइक कि ये हेयर बैंड, ये क्लिप्स, क्लेचर्स, रबर बैंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। ये इयर रिंग्स मिल रही थी फेदर वाली, उसके बाद ये लॉकेट्स मिल रहे थे। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी। ये आप देख सकते हैं, ये बालों में लगाने के लिए भी क्लिप्स थी। उसके बाद ये ब्रेसलेट्स थे, जो कि इन्होंने 100 रुपये और 150 रुपये के बताए थे। मतलब यहाँ पे जितना भी सामान था वो 20 रुपये से लेकर के 900 रुपये तक था। ये लास्ट वाला सामान जो मैं दिखा रही हूँ ये 900 रुपये का था। फिर ना मुझे ये केटल दिखी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ले लेते हैं, लेकिन फिर आई थॉट कि यार इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं चाय बना करके इस केटल में छानूंगी और मेहमानों के आगे ले करके जाऊंगी और फिर कप में छानूंगी, तब तक कि ये चाय तो ठंडी हो चुकी होगी। सो इसको लेने का आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़ायदा होगा। फिर उन्हीं की शॉप में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, ये इन्होंने 20 रुपये का एक बताया था। फिर मुझे ये पर्स की शॉप दिखी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के पर्स थे, जैसे कि हैंडबैग थे, क्लचेस थे। सो ये मैंने पूछा, इन्होंने बताया कि ये 100 रुपीज़ का था। ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मल्टी कलर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, 300 रुपीज़ का ये दे रहे थे। और मेला टहलते टहलते मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो फिर मैंने ये डोसा ऑर्डर किया, पनीर डोसा, और ये देख रहे हैं आप पनीर डोसा बन रहा है, तो चलिए इन्जॉय करिए पनीर डोसा बनते हुए, देखिए।
बताया था स्टार्टिंग में ही कि ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स अब आप लोग को डालीगंज मेले में नहीं मिलेंगे। डालीगंज मेला को कार्तिक मेला भी कहते हैं, इस बार से इसका नेम शायद चेंज कर दिया गया है, मुझे याद नहीं है पिछली बार से है या इस बार से है, बट या इसका नेम चेंज हो गया है, कार्तिक मेला हो गया है। सो अब लास्ट टाइम था तो प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट या अगर आपको ज़रूरत है क्रॉकरी की, अगर आप चाहते हो लेना, तो फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं जो आप ले सकते हो जा करके, कम से कम रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और ये मेला उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी तक है, बट अभी मैंने विज़िट किया है इसको, आई थिंक 15 जनवरी को मैंने लास्ट विज़िट करा था एक कार्तिक मेला में। सो मैंने देखा कि ज़्यादातर दुकान वहाँ से हट चुकी हैं, झूले सारे हट चुके हैं, झूले नहीं हैं एक भी, एंड खाने पीने के सामान भी हट चुकी है, और जितने लोगों के पास प्रोडक्ट्स बचा है सिर्फ वही लोग ये शॉप लगाए हुए हैं, बाकी और भी लोग अपनी शॉप ख़त्म करके जा चुके हैं। तो अगर आप मेरी मानो, आप अच्छा बर्तन लेना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो अब अगले साल मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर के आऊँगी, और कोशिश ये रहेगी मेरी कि स्टार्टिंग में ही कार्तिक मेले की वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे कि आप लोग को पता चल जाए कि वहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें ख़राब है, और जो चीज़ें हैं वो रीजनेबल प्राइस में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या पहले से सस्ती हुई हैं या पहले से महंगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं उस टाइम पर डिस्कस करूँगी। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि मैं अपना बर्थडे व्लॉग भी चैनल पर अपलोड करूँगी, एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा व्लॉग आपने कहीं पर भी किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। जैसा बर्थडे सेलिब्रेशन मैं आप लोग को दिखाऊंगी, वैसा आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। सो मेरा बर्थडे मैं एकदम डिफरेंट तरीके से मनाती हूँ। सो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड या बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो जैसा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ऐसा ही आगे भी देते रहिएगा। मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। Thank you.